आज 9 अगस्त, आज के दिन बहुत बढ़िया है। आज सुबह सुबह बारिश हुई है, मौसम बहुत ही सुहाना है और हम लोग अब साइकिल द्वारा गोवा पिच जाएंगे। गोवा यहाँ पर नियर बाय पिच है, ठीक है ना। आप सीधे अब हम लोग गोवा पिच के लिए निकल रहे हैं। Ceiling that I'm waiting for a star to fall. Won't you do me a favor? Won't you give me a baby? All this time I'm looking at my telephone, 'cause I'm thinking of your hand and the way you make them dance on me, on me. सड़क भी अभी सड़क भी गीली है, मौसम भी थोड़ा बारिश होने की संभावना है। सड़कों में गड्ढे जमा दिन पानी खेलने नहीं आए रोज खेलने आते, बारिश कारण आज कोई खेलने में नहीं आया। सारे बच्चे आज घर पे होंगे, बारिश तेज हो रही थी, सुबह तक बारिश होती रही। बारिश के कारण यहाँ कोई आए नहीं, कितने ग्रोसेस का नजारा। Let's play, let's play.
यहाँ कोई खेलने नहीं आया, आज सिर्फ जानवर घूम रहे हैं। आज कोई नहीं, देखिए छोटे छोटे ईंटे लगे हुए हैं, बच्चे स्टंप बना करके इसको विकेट बना करके खेलते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे खेलते हैं, मगर आज बारिश हो गई कारण बच्चे आए नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे खेलने आते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसका गोवा पिच के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है एकदम गोवा जैसा है। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको गोवा पिच के बारे में दिखाता हूँ। साइकिल खड़ी कर दी हमने, अभी देखिए यहाँ पे जो पेड़ हैं, देखिए एकदम गोवा लुक देते हैं, इसलिए इसको यहाँ के लोकल लोग यहाँ गोवा पिच के नाम से जानते हैं। गोवा जैसा लुक है, इसलिए गोवा पिच कहते हैं। देखिए ये पेड़, देखिए एकदम आपको नेचुरल ऐसा लगेगा जैसे कि हम कहीं गोवा में आ गए हैं। तो ये ऐसा देखिए नज़ारा, पेड़ों का बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर। आज बारिश हो गई है तो मौसम भी अच्छा लग रहा है बारिश, लेकिन पानी खूब भरा हुआ, देखिए ग्राउंड पे भी पूरा तरह पानी भरा हुआ है ना। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने आते हैं, बट आज देखिए ये देखिए पेड़ है ना, गोवा पिच है, ये देखिए बेहतरीन पेड़ देखिए। अरे उसने तो घोंसला भी बना रखा चिड़ियों ने, ये देखिए गोवा पिच के पेड़ है ये। यहाँ पे आसपास देखिए, ऊपर देखिए, इधर ये देखिए, सब बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए लोग इसे गोवा पिच के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग साइकिलिंग करते हुए अपने घर से गोवा पिच तक आए हैं। देखिए आसपास है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, बट यहाँ बच्चे खेलने आते हैं, है ना। यहाँ सुबह मॉर्निंग रनिंग का नज़ारा लेते हैं, लेकिन आज कम लोग ना बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, ना ही ज़्यादा यहाँ पर। इधर पे देखिए आगे अभी हम लोग चलेंगे, उधर एक मंदिर है ना, उसके पास भी कुछ लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ये रास्ता जाता है, सामने वाला रास्ता है ना। तो अब ले लीजिए, अब साइकिलिंग करेंगे हम लोग, साइकिल ले लेते हैं, उठा लेते हैं अपने अपने साइकिल, है ना। रात के समय में आएंगे तो बहुत सारे जानवर बैठे रहते हैं, ढेर सारे पुराना कुआं है यहाँ पर पानी का, बहुत साल पहले हो गया था, आजकल कुएं देखने को नहीं मिलते हैं। और ये देखिए कुआं सिर्फ गहराई, अब इसमें कूड़ा पड़ा हुआ है ना। तो ये देखिए अभी यहाँ पे कुआं है, तो यहाँ पर
सैकड़ों लोग यहाँ लोग घूमने आते हैं, पास ही मंदिर है एक, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। हम लोग पूजा करने बच्चे भी पीछे लगे हुए हैं कुछ, है ना। तो ये पूजा स्थल है, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। ये पास में ग्राउंड है, तो वहाँ पे देख लीजिए बच्चे। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे सुबह के मॉर्निंग के साथ।